चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आपका होना चाहिए कि ये जो भी रेशनल फंक्शन दिया गया है वो प्रॉपर है। ऑब्जर्वेशन नंबर टू क्या है आपका कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म है ना, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म को डील करने का बड़ा आसान तो प्रॉपर तरीका होता था। खैर हम यहाँ पर एडजस्ट करके थोड़ा करेंगे। देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा 2x और -2, वो न्यूमरेटर में होना चाहिए है ना। तो इस चीज़ को हम लोग एडजस्ट करते हैं, अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा आपका, या यहीं पे कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब ये क्या हो गया आपका 2x+6, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 2x+6। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना था, 2x-2 था है ना। तो हमें नीचे का डेरिवेटिव चाहिए, -2 और +8 कर ले, तो कोई भी हमने सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया। यहां से हम क्वेश्चन को क्या कर ले, ब्रेक कर ले, क्योंकि ये पार्ट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है और यहां से अलग कर लेंगे तो यहां से आ जाएगा कॉन्स्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक जो परफेक्ट स्क्वायर बना के डील होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 2x-2 अपॉन x²-2x-5dx एंड ये हाफ इधर जाएगा तो प्लस का हाफ टाइम्स 8 अपॉन दिस क्वाड्रेटिक x²-2x और माइनस का 5dx। तो दो इंटीग्रल में ब्रेक हो गया, ये कांस्टेंट बाहर ले आएंगे हम लोग, 8 बाहर ले आए, यहाँ पे बचेगा 1, ये 2 4 जा 8, तो ये फाइनली यहाँ पे क्या आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक, तो अब ये दो दो पार्ट में क्वेश्चन डिवाइड हो चुका है और एक क्या है f'x, अगर नीचे आप f(x) कहते हो तो ऊपर f'x है, तो f'x अपॉन f(x) क्या होता था, लॉग ऑफ मॉड, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड f(x), मतलब x²-2x-5। अब इसका करते हैं, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर बना के होगा तो वो देखिए क्या करेंगे हम लोग। इस चीज़ को आप क्या कर सकते हो, इसी स्टेप में हम कर दे रहे हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में करिएगा। तो a²-2a भी दिख रहा है और +1 चाहिए था मुझे, तो +1 और -6 कर देंगे, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x-1 का होल स्क्वायर और -6, अब 6 को √6 का स्क्वायर लिख ले रहे हैं dx। अब देखिए ये a²-x² हो गया, इसका लॉग ऑफ, लॉग में होता है फॉर्मूला, ठीक है, तो दिस कुड बी रिटेन एज ए 1/2 लॉग ऑफ x²-2x-5 +4 टाइम्स क्या होता है यहाँ पे 1/2a, तो ये हो जाएगा 1/2a, a का मतलब कितना हुआ √6। तो लॉग ऑफ x माइनस ए, तो x के यहाँ पे क्या हो जाएगा x-1 माइनस ए अपॉन x+a, तो x-1 +√6 और ये मॉड में रहेगा और प्लस क्या हो गया आपका से इनडेफिनिट कांस्टेंट c हो गया। ठीक है, तो और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, तो 2/√6 हो गया। अगर प्रॉपर बनाना चाहिए, देख लीजिएगा क्या आंसर आपके पास अवेलेबल है, यहाँ से दैट इज़ योर फाइनल आंसर फ्रॉम माई साइड।